हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों मुकेश का ये गाना इन दिनों बना है हॉट केक। जो तुमको तो पसंद वही बात है। मुकेश का ये गाना है फिल्म सफर का, जो आई थी 1970 में। दोस्तों आपको बता दें कि उस साल ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 10 फिल्मों में शामिल थी। इस फिल्म को मुशीर नियाज ने मिलकर प्रोड्यूस किया है, इसे डायरेक्ट किया है असित सेन ने। इस फिल्म में हैं राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और फिरोज खान। दोस्त अब आते हैं इस पर कि आखिर क्यों ये गाना इन दिनों चर्चा में है। दरअसल कुछ महीनों बाद भारत में लोकसभा चुनाव होने हैं। पक्ष और विपक्ष में सत्ता के लिए जंग छिड़ी है। बीच में आ गई है मीडिया। विपक्ष को लगता है कि मीडिया के कुछ पत्रकार और एंकर्स उनके खिलाफ हैं, उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते, उनसे मुश्किल सवाल पूछते हैं, उन्हें घेरने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने ऐसे पत्रकारों और एंकर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने एक ऐसी सूची जारी कर दी है जिसमें उन पत्रकारों का नाम है जिन्हें वो अपना विरोधी मानते हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन में शामिल 28 दलों के नेता अब इन पत्रकारों के शोज में न तो जाएंगे और उन्हें कोई इंटरव्यू देंगे। ऐसे में उन्हीं में से एक पत्रकार ने अपने शो में इस गाने का जिक्र किया है, जरा देखिए। शायद यही चाहती है कांग्रेस, मुंह पर उंगली लगा कर बैठे रहे, मुंह बंद कर ले। शायद यही चाहता है इंडिया गठबंधन, लबों को सिल लिया जाए, चुप्पी साध ली जाए, कड़वे सवाल ना पूछे जाए, कड़वे सवाल पूछने बंद कर दिए जाए, मुंह पे उंगली लगा के ऐसे आप पूछे जाए, फरमाइशी गीतों की तरह फरमाइशी सवाल, जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, नहीं तो लिस्ट में नाम डालेंगे। फरमाइशी गीतों की तरह फरमाइशी सवाल हो, जो उनको हो पसंद वही कहा जाए।